हूँ छू अनवी। अषाढ़ी बुद्ध दिवसे देशभर में जगतना नाथ भगवान जगन्नाथ नगरचर्या निकल्या था। ओडिशा पुरी रथयात्रा बाद देश में सौथी मोटी और बीजी नंबर की रथयात्रा अमदावाद शहर में निकली थी। रथयात्रा में भगवान दर्शन करने मोटी संख्या में भक्तों की भीड़ उमटी पड़ी थी। खास कर रथयात्रा की उजवणी कोलकाता ओडिशा गुजरात और दिल्ली में रंगे चंगे थी। मंगलवार निकलेली रथयात्रा में मोटी संख्या में भक्तों उमटी पड़ा था, साथ पुलिस द्वारा कड़क बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो हतो। झारखंड राजधानी रांची में जगन्नाथनी रथयात्रानी धूम जोवा मळी। रांचीना जगन्नाथ मंदिर में निकलेली रथयात्रा में हजारों भावी भक्तों जोड़ाया। रांचीनी रथयात्रा में मुकवामां आवेला जगन्नाथजीना रथ में फूलोथी सुंदर सुशोभन करवामां आव्युं हतुं। आ समय हजारों भक्तों मगनो प्रसाद ग्रहण कर्यो हतो। तो मंगलवार कोलकाता में रंगेचंगे रथयात्रा की उजवणी करवामां आवी हती। रथयात्रा पावन कार्यक्रम में पवित्र रथयात्रा निकली जेमा पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी उपस्थित रहा। रथयात्रा कार्यक्रम निमित्ते कोलकाता इस्कॉन मंदिर में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजन थयुं। आ कार्यक्रम में मोटी संख्या में भक्तों उमटी पड़ा था। रथयात्रा कार्यक्रम निमित्ते दर वर्षे विविध कार्यक्रमों आयोजन करवामां आवे छे। कर्नाटकना मुख्यमंत्री सिद्धरमैयाए केन्द्र सरकार पर आरोप लगवाता कहूं कि केन्द्र सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, जेना कारण केन्द्र सरकार कर्नाटक ने चोखा सप्लाय करने बंद कर पंजाब और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य में चोखा खरीदवानी बात करे छे। आ निवेदन पर पलटवार करता केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशीए कहूं कि अमे 80 करोड़ देशवासी ने चोखा मफत आपी रहा छे। स्टेटिंग दैट वी हैव अग्रीड टू सप्लाय राइस द क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड बाय कर्नाटक स्टेट, सो वी थॉट दैट एफसीआई विल सप्लाय ऑन 13th द कंज्यूमर्स affairs ministry, they have written a letter to the chairman and MD of the FCI. भैया जी वो सारा खुल्लम खुल्ला बताना चाहिए, 5 केजी जो दे रहा है वो नरेंद्र मोदी दे रहा है, मुझे अभी तक 10 केजी देने नहीं हो रहा है, तो 10 केजी वो खरीद के मैं दे दूंगा, इतना बोलने दो। सेकेंड पॉइंट, हम 5 केजी सारे देश को दे रहे हैं, 80 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 केजी हम दे रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस विधानसभा चूंटनी प्रचार दरमियान लोगों ने 10 किलो चोखा निःशुल्क आपवानुं वचन आप्युं हतुं। हवे कांग्रेस आ चोखा ने केन्द्र सरकार पासे मांग करी छे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार नायब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारे जणाव्युं कि अमे केन्द्र सरकार पासेथी खरीदवा मांगता हता, परंतु केन्द्र सरकारे चोखा आपवानो इनकार कर्यो। अमे बीजा राज्यों पासेथी चोखा खरीदीने लोकोने आपीशुं अने वचन पूरुं करीशुं। आ साथे कांग्रेसना कार्यकरो केन्द्र सरकार विरुद्ध नारा लगावता रस्ता पर उतरी आव्या हता। पीपल ऑफ कर्नाटक दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 10 केजी ऑफ फ्री राइस, सो सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड ड्यूटी इज टू गिव अस टू राइस नॉट फ्री, वी वर पेइंग देम मनी, दे हैव अग्रीड टू सप्लाय राइस, नाउ दे हैव डिनाइड इट, सो the double standard politics of BJP, we are fighting against them, we are protesting against them, whatever may be the situation, we are going to buy rice from the different states. मंगलवारे वडाप्रधान मोदी अमेरिका ना प्रवासे जवा रवाना थया। अमेरिका प्रवास अंगे पीएम मोदी ए सोमवारे ट्वीट कर्यू हतु के यूएस संसद ना सभ्यो चिंतको अने जीवन ना तमाम क्षेत्र ना लोको मारा प्रवास अंगे उत्साह व्यक्त करी रह्या छे, जेना माटे हुं आभार मानु छु। पीएम मोदी 20-25 जून सुधी अमेरिका और इजिप्त मुलाकाते छे, जे दरमियान बन्ने साथे पहलेथी ज मजबूत संबंधों ने वधु गाढ़ बनावा पर चर्चा करवामां आवशे। वडाप्रधान की वॉशिंग्टन राज्य मुलाकातनुं एक महत्वनुं पासुं मजबूत टेक्नोलॉजी जोड़ाण भारत और अमेरिका वच्चे आर्थिक संबंधों सुधारवानुं छे। बन्ने देशना औद्योगिक पुरवठा प्रणालीथी संबंधित संबंधों एकबीजाने केवी रीते सहकार आपी शके ते महत्वनुं छे। वडाप्रधान मोदीनो यूएस प्रवास न्यूयोर्कमांथी शुरू थशे, ज्यां तेओ 21 जूने संयुक्त राष्ट्रना मुख्यालयमां आंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उजवणीनुं नेतृत्व करशे। छेल्ला घणा समयथी संयुक्त राष्ट्रनी सुरक्षा परिषदमां सुधारा करवानी रजूआत भारत तरफथी करवामां आवी रही छे। भारतनी मांग छे कि विश्वनो सौथी मोटू लोकतांत्रिक देश होवाथी तेने संयुक्त राष्ट्रनी सुरक्षा परिषदनो स्थायी सभ्य बनावामां आवे।
વડાપ્રધાન મોદી પણ ઘણીવાર આ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સુરક્ષા પરિષદની વર્તમાન સદસ્યતાનું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. વિશ્વના અનેક દેશને પૂછવામાં આવવું જોઈએ કે શું તેઓ ભારતને સભ્ય તરીકે જોવા માંગે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સુરક્ષા પરિષદમાં 5 વર્તમાન સ્થાયી સભ્ય રાષ્ટ્ર છે, જેમાં અમેરિકા, બ્રિટન, ચીન, ફ્રાન્સ અને રશિયાનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે યુએનએસસીમાં 10 અસ્થાયી સભ્ય રાષ્ટ્રો છે. વડાપ્રધાન મોદી અમેરિકા પ્રવાસ દરમિયાન ન્યુયોર્કમાં નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા અર્થશાસ્ત્રી, આર્ટિસ્ટ, વૈજ્ઞાનિક અને આરોગ્ય નિષ્ણાંતોને મળશે. પીએમ મોદી 24 બુદ્ધિજીવી સાથે મુલાકાત કરવાના છે. પીએમ મોદી ટેસ્લાના સ્થાપક એલન મસ્ક, ભારતીય મૂળના અમેરિકન ગાયક ફાલ્ગુની શાહ, પોલ રોમર, નિકોલસ નાસિમ તાલેબ, જેફ સ્મિથ, ડેનિયલ રસેલ અને ચંદ્રિકા ટંડન સહિતના બુદ્ધિજીવી વર્ગના લોકોને મળવાના છે. પીએમ મોદી વ્હાઇટ હાઉસમાં અમેરિકી પ્રમુખ જો બાઇડન સાથે પણ ડિનર લેવાના છે. આ સાથે પીએમ મોદી વોશિંગ્ટનમાં ભારતીય અમેરિકન મૂળના લોકોને સંબોધન કરશે. ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહના નેતા સંજય રાઉતે જણાવ્યું કે દેશમાં ગદ્દારીની રાજનીતિ થાય છે. વડાપ્રધાન, ગૃહમંત્રી અને કેન્દ્ર સરકાર ગદ્દારીને પ્રોત્સાહન આપે છે. શિવસેના પાર્ટીના ચિહ્ન પર ચૂંટણી જીતનાર અમારા 40 ધારાસભ્યોએ પાર્ટી છોડી. રાઉતે દાવો કર્યો કે આજના દિવસને આંતરરાષ્ટ્રીય ગદ્દાર દિવસ તરીકે જાહેર કરવો જોઈએ. વડાપ્રધાન મોદી અમેરિકામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગદ્દાર દિવસની જાહેરાત કરે. ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने रखी है. आजकल इस देश में आपकी पूरी राजनीति गद्दारी के ऊपर ही खड़ी है, गद्दारी की नींव पर खड़ी है. और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, केंद्र की सरकार गद्दारी को इनकरेज कर रही है, उत्तेजन दे रही है. कि जो बीज है वो किसने बोए? प्रधानमंत्री और गृहमंत्री. तो हमने कहा कि अधिकृत तौर से आज के दिन को वर्ल्ड ट्रेटर डे आप घोषित कर दीजिए अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में होता है ऐसा. एनसीपी ना कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले एक ना शिंदे अंगे निवेदन आपका कहूं छे कि आजकल कोई नैतिकता बाकी रही नहीं. लोग अहीं त्यां जता रहे छे अने दरेक पार्टी में आवुं थाय छे. एक ना शिंदे तरफ इशारो करता तेमणे कह्युं कि हवे जेवो आरोप लगावी रह्या छे तेवो अढी वर्ष पहेलानी सरकार में हता त्यारे तेमणे नैतिकता याद न आवी. અઢી વર્ષ પહેલા તેઓ પણ તે સિસ્ટમનો એક ભાગ હતા ત્યારે તેમનું એવું કેમ ન લાગ્યું કે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે, પરંતુ હવે જ્યારે તેઓ પાર્ટીની બહાર છે ત્યારે તેમને કેમ લાગે છે કે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે? ભાજપના નેતા શહેજાદ પુનાવાલાએ જણાવ્યું કે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ દેશના બંધારણની જોગવાઈમાં સામેલ છે. યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને ભાજપના મેનિફેસ્ટોમાં પણ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. જે પ્રદેશમાં ભાજપની સરકાર છે ત્યાં મહિલા સશક્તિકરણ માટે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરવા માટેની બ્લુપ્રિન્ટ પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે. મને ખબર નથી પડતી કે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને બંધારણમાં સામેલ કરનાર કોંગ્રેસ તેનો વિરોધ કેમ કરે છે. યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ સંવિધાન કે એક પ્રાવધાનમાં હૈ. यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग समय पर की है. यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा भी है. जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड महिला सशक्तिकरण के लिए लागू करने का रोडमैप भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है. पर यह समझ में नहीं आता कि जिन लोगों ने यूसीसी को सबसे पहले संविधान में डाला, अर्थात कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों ने जब गांव गोवा में लागू हुआ तब वो सत्ता में थे वहां पर, आज वो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस नेता गौरव वल्लभे जणाव्યું કે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ પર ચર્ચા કરવા માટે પરામર્શ પ્રક્રિયાને અનુસરવામાં આવે તો વધુ સારું પરિણામ આવી શકે છે, પરંતુ ભાજપ તેનો ઉપયોગ ધ્રુવીકરણની રાજનીતિના પ્રયાસ માટે કરે છે. જે રાજ્યોમાં ચૂંટણી થવાની હોય છે ત્યાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે ચૂંટણી સમાપ્ત થઈ જાય છે તો યુસીસીની વાત ખતમ થઈ જાય છે. હિમાચલ પ્રદેશ, બિહાર અને કર્ણાટકમાં પણ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ કી બાત હૈ તો એક કન્સલ્ટેટિવ પ્રોસેસ હોના ચાહીએ, ઉસ પે એક સાર્થક બહેસ હોની ચાહીએ. જહાં ચુનાવ હૈ વહાં પે યુસીસી ભારતીય જનતા પાર્ટી નિકાલ કે લે આતી હૈ. યે એક પોલરાઇઝેશન કા હથકંડા નહીં. હા, અગર ઇસ પે સાર્થકતા સે બહેસ હો, ઇસ પે એક કન્સલ્ટેટિવ પ્રોસેસ અપનાયા જાય તો ઇસકે અચ્છે પરિણામ આ સકતે હૈ. પર ભાજપા ઇસકો
पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन के लिए प्रयोग करती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे गीता प्रेस ना विवाद मुद्दे बात करता कहूं कि भाग्ये ज एवं कोई हिंदू घर हशे ज्या गीता प्रेस में कोई पुस्तक धर्मग्रंथ के महाकाव्य छपायू न हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी रही है। कांग्रेस नेताओं खुलासो कर्यो छे कि कांग्रेस की थिंक टैंक वैचारिक आतंकवादियों द्वारा कब्जे करवामां आवी छे, जेओ तेमना तुष्टिकरण माटे हिंदू धर्म हिंदू आस्थाना केन्द्रों और हिंदू धर्मग्रंथों ने नष्ट करवानो प्रयास करी रहा छे। कांग्रेस के थिंक टैंक पर वैचारिक आतंकियों का कब्जा हो चला है, जो अपने राजनीतिक एजेंडे व तुष्टिकरण के लिए हिंदू धर्म हिंदू आस्था के केंद्रों हिंदू ग्रंथों साहित्यों का उपहास पढ़ाते उड़ाते हैं और उस पर ओछी टिप्पणी करते हैं। ऐसे हिंदू विरोधी विचारक आतंकियों को मेरी सलाह है कि गोरखपुर जाएं और गीता प्रेस का अवलोकन करें। पश्चिम बंगाल पंचायत चूंटणी हिंसा केस में ममता सरकार ने राज्य चूंटणी पंच ने सुप्रीम कोर्ट तरफ थी मोटो झटको लाग्यो। सुप्रीम कोर्टे हाईकोर्ट ना आदेश में दखल देवानो इनकार कर्यो। कलकत्ता हाईकोर्टे 48 कलाकनी अंदर दरेक जिला में केन्द्रीय सुरक्षा दलों ने तैनात करवानो आदेश आप्यो हतो, जेनी सामे पश्चिम बंगाल सरकारे सुप्रीम कोर्ट में अरजी दाखल करी हती। बंगाल सरकारना वकीले सर्वोच्च अदालत ने जणाव्यु कि 13 जूने राज्य चूंटणी पंच राज्य सरकार साथे सुरक्षा ने लईने मूल्यांकन करी रह्युं हतुं, परंतु 15 जूने हाईकोर्टे 48 कलाकनी अंदर अर्धलश्करी दलों ने तैनात करवानो आदेश आप्यो हतो। पश्चिम बंगाल पंचायत चूंटणी में केन्द्रीय सुरक्षा बड़ों की तैनाती मुद्दे कोलकाता हाईकोर्टे आपेला चुकादा ने पड़कारती अरजी सुप्रीम कोर्टे फगावी। सर्वोच्च अदालते राज्य चूंटणी पंच द्वारा दाखिल करवामां आवेली अरजी में हस्तक्षेप करवानो इनकार कर्यो। कोर्टना चुकादा थी ममता बेनर्जी सरकार ने फटको पड्यो छे। आ विषय बात करता भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदीए जणाव्यू कि परिणाम चूंटणी पछी आवशे, परंतु कोर्टमां ममता सरकार की नैतिक हार थी छे। कोर्टनो आ चुकादो राज्य चूंटणी पंच माटे पण एक संदेश समान छे, जेमां तेने पश्चिम बंगाल सरकार ना इशारे नहीं परंतु निष्पक्ष रीते काम करवू जोईए। पॉलिटिकल रिजल्ट्स विल कम आफ्टर द इलेक्शन बट द मॉरल डिफीट इज बीन देयर ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्ट, और ये राज्य चुनाव आयोग के लिए भी एक नसीहत है कि उन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार के उपकरण की तरह नहीं बल्कि स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने के अपने कर्तव्य के तहत होना। दिल्ली ना मुख्यमंत्री केजरीवाल केन्द्र सरकार ना अध्यादेश की आकरी टीका करी हती। केन्द्र सरकारे मुख्य सचिव ने निर्णय लेवानी सत्ता आपी छे के ते नक्की करे छे के दिल्ली केबिनेट जे निर्णय लीधो छे ते साचो छे के नहीं। त्यारबाद मुख्य सचिव एलजी ने भलामण करी शके छे अने एलजी ने सत्ता अपाई छे के ते दिल्ली केबिनेटना कोईपण निर्णय ने रद्दबातल करी शके छे। आ बहु मोटो विवाद छे। अमे आ नियम विरुद्ध सुप्रीम कोर्टमां जईशुं। मने सुप्रीम कोर्ट अने अन्य पक्षों पासेथी घणी आशाओ छे। कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कैबिनेट ने निर्णय सही लिया कि गलत लिया, और फिर वो एलजी को रिकमेंड करेगा। एलजी उस पे कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। ये तो संविधान में भी नहीं दे रखा कि एलजी किसी भी निर्णय को पलट सकता है। इन्होंने नया एक संविधान बदल दिया और ये अथॉरिटी बनाई है कि अथॉरिटी के अंदर मुख्यमंत्री बैठेगा, मुख्यमंत्री के सर पे 2 अफसर बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वत्ती गुनाखोरी मुद्दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले दिल्ली ना एलजी ने पत्र लख्यो छे। महिलाओं विरुद्ध वत्ती गुनाखोरी ना केस मुद्दे केजरीवाले केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली ना एलजी नी झाटकणी काढ़ी। राजधानी में 24 कलाक में 4 हत्या की घटना बाद केजरीवाले दिल्ली ना एलजी वीके सक्सेना ने तात्कालिक पगला लेवा माटे अनुरोध कर्यो। केजरीवाले दिल्ली में कायदो और व्यवस्था की स्थिति ने जाळवी राखवा माटे तमाम प्रकार सहकार आपवानी पण खातरी आपी हती। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून रोज विपक्ष दलों की बैठक योजाशे, त्यारे आ विषय बात करता दिल्ली ना मुख्यमंत्री अने आम आदमी पार्टी ना कन्वीनर अरविंद केजरीवाले जणाव्यु हतु के बैठक में अध्यादेश मुद्दे चर्चा करवामां आवी शके छे। बैठक में हूं बंधारण ने लईने जईश अने तमाम राजकीय पक्षों ने समझावीश के अध्यादेश मात्र दिल्ली सुधी मर्यादित नथी, परंतु तमिलनाडु पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में पण अध्यादेश लावामां आवी शके छे। उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए, और मैं वहां सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में अध्यादेश आया है।
ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। केंद्रीय मार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में जणाव्यु के टूंक समय में ट्रक बनावती कंपनीओए ड्राइवर की केबिन अंदर एक एर कंडीशन उपलब्ध करावु पड़े। आ कार्यक्रम में हाजर थता पहला ट्रक ड्राइवर की केबिन में फरजियात एसी होवु जोईए फाइल पर मैं सही करी छे। आपणे आ वातनी खातरी राखवी जोईए कि जे लोको ट्रक चलावे छे तेमनुं खास ध्यान राखवामां आवे। ड्राइवर 43-47 डिग्री सेल्सियस जेवी आकरी गरमी में पण ट्रक चलावे छे अने माटे केबिन में एसी लगावानो निर्णय लीधो छे, जो कि केटलाक लोको तेनो विरोध पण कर्यो हतो। हमारे ड्राइवर की जो केबिन रहती थी, वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43-44-47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है, तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था। पर इसके कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया, पर भी आज मैं यहां आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो एसी होगी। देश ना केटलाक राज्य में भारे गर्मी पड़ी रही है। यूपी और मध्य प्रदेश में तो गर्मी ना कारण 53 थी वधु लोगों ना मौत पण नीपजा हता। तरे केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया माहिती आपता जणाव्यु कि हवे राज्य में हीटवेव और हीटस्ट्रोक की परिस्थिति सर्जाई है, तो राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट की 2-3 टीम मोकली देवामां साथ केन्द्र सरकार पर सतत नजर राखी रही है। जिस राज्य में हीटवेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य में राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट आईएमडी और हेल्थ मिनिस्टर के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी। आसाम में मुसलधार वरसाद कारण 10 जिला में पूर की स्थिति कारण 31,000 लोग प्रभावित थया छे। हवामान विभागे प्रदेश में आगामी 5 दिवस सुधी भारी थी अति भारी वरसाद पड़वानी संभावना व्यक्त करी। आ माटे राज्य में रेड एलर्ट पण जाहिर करवामां आव्यु। आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट प्रमाण प्रदेश चिरांग, धीमाजी, दिब्रुगढ़, लखीमपुर और सोनितपुर सहित जिला में पूर कारण लोग सौथी वधु प्रभावित थया होवानुं जणाव्यु। प्रदेश में 25 राहत वितरण केन्द्रों शुरू कर आसाम 444 गामडा पूरग्रस्त है, जारे के 4741 हेक्टर में पाक ने नुकसान थयुं छे। ब्रह्मपुत्रा सहित अनेक नदियों जलस्तर में वधारो थयो छे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे भूतपूर्व विद्यार्थी तेमना अल्मा मातरना 30 वर्ष पूर्ण करने पर गुरुदक्षिणा उदाहरण स्थापित कर्यु। इन्फोसिस सहस्थापक और चेयरमैन नंदन नीलेकणीए आईआईटी बॉम्बे साथ जोड़ाण 50 वर्ष पूरा करने आईआईटी बॉम्बे ने 315 करोड़ रूपया दान आप। नीलेकणी 1973 में इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग तरीके स्नातक की डिग्री मे संस्था में जोड़ाया था। आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी कर निवेदन में कहम कि आ योगदान भारत भूतपूर्व विद्यार्थी द्वारा कर सौथी मोटा दान में एक छे। आदिपुरुष फिल्मना विवाद में फिल्मना डायलॉग्स लखनार मनोज मिंत्रीशील जखम पर मीठू भभरावता होय तेम कहूं कि हनुमान भगवान हता ज नहीं, हनुमान भगवान नहीं परंतु भक्त हता, आथी मैं हनुमानजीना डायलॉग्स भगवान जेवा नथी रख्या। मनोज मिंत्रीशीले एक इंटरव्यू दरमियान आ निवेदन आप्यू। हवे तेमनुं निवेदन सांभळ्या बाद सोशियल मीडिया पर लोग गुस्से भराया छे अने तेमने इंटरव्यू न आपवानी सलाह आपी। एक व्यक्तिए कहूं कि सौथी पहला मनोज मिंत्रीशीले इंटरव्यू आपवानुं बंद करी देवुं जोईए, ज्यारे बीजाए कहूं कि मनोज मिंत्रीशीलनो मानसिक टेस्ट करावो जोईए। अनेक व्यक्तिए कहूं कि हनुमानजी भगवान शिवना अवतार हता, आ मूर्ख व्यक्ति पासे मगज नथी अने ते रामायणना संवादो लखी रह्यो छे। अने यूजरे कहूं कृपा करीने कोई तेने चुप करो। यूपी में बाबा नु बुलडोजर फरी चालू। आ वक्त गैंगस्टर राकेश यादव ना घर पर बुलडोजर चालू। गैंगस्टर राकेश यादव पहले थी जेल में छे, तेना गोरखपुर खाते आवेला घर ने पुलिस की हाजरी में तोड़ी पाड़वामां आव्यु। राकेश यादव पर 52 जेटला केसो दाखल थया छे। घर पर बुलडोजर फेरवता समय उत्तम गोरखपुर में एसपी मनोज कुमार अवस्थी हाजर रहा था और पूरी पुलिस व्यवस्था गोठवामां आवी हती। एक समय स्मार्टफोन की आयात करते भारत देश हवे स्मार्टफोन की निकास करने लगो छे। गया महीने देश में रूपया 12,000 करोड़ स्मार्टफोन की निकास जोवा मळी। आमांथी आईफोन की निकास आंक रूपया 10,000 करोड़ रह्यो। एम इंडिया रेग्युलेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन आंकड़ा जणावे छे।
गत नाणाकीय वर्ष में भारते 5 अबज डॉलर आईफोन निकास करी हती। वर्तमान नाणाकीय वर्ष प्रथम बे महीना में एटले के एप्रिल मे में आईफोन निकास 8 रूपया 20 हजार करोड़ थी वधु थई। गया वर्ष बे महीना निकास 8 रूपया 9 हजार करोड़ रह्यो होवानुं पण प्राप्त आंकड़ा जणावे छे। भारत द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम जाहिर करवाना कारणे देश में स्मार्टफोन उत्पादन में वधारो जोवा मळी रह्यो छे। अमेरिका यूके तथा जर्मनी जेवा मुख्य मथकों खाते थी नबड़ी मांग ने परिणाम मेमा देश की एप्रिल तथा टेक्सटाइल निकास में वार्षिक धोरणे 12.20% घटाड़ो नोंधायो। ऊंचा फुगावा तथा इन्वेंटरी वधारा ने परिणाम निकास मांग मंद रहेलू उद्योग सूत्रों जणाव्युं। टेक्सटाइल निकास में 11.80% जयरे के एप्रिल निकास में वार्षिक धोरणे 12.70% घटाड़ो नोंधायो होवानुं प्राप्त आंकड़ा जणावे छे। आ उपरांत शणनुं उत्पादन 29.30% घट्युं जयरे के हेन्डीक्राफ्ट तथा हेन्डमेड कार्पेट्स उत्पादन 21.10% नीचू रह्यू। मूल्य की दृष्टि भारत की टेक्सटाइल तथा एप्रिल निकास गया महीने 281.60 करोड़ डॉलर रही थी जे मे 2022 में 320.60 करोड़ डॉलर जोवा मळी। कॉमोडिटी निकास में तेनो हिस्सो जे 2022 में मे में 8.22% हतो ते वर्तमान वर्ष महीना में घटी 8.05% रह्यो हतो। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जणाव्यु कि वर्ष 2019 में धारा 370 नाबूद कराया बाद जम्मू काश्मीर में भारत कायदा प्रमाण कामगिरी करवामां आवी रही छे। काश्मीर में शांति और विकास छे। उग्रवाद शांत थई गयो छे जारे के पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर लोको पण भारत में सामेल थवानी मांग करे छे। समय एवो आव्यो छे कि पाकिस्तान साथे कोई उभू थवा मांगतुं नथी। को कश्मीर में धारा 370 इतिहास के कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई और कश्मीर भारत के कानून से चलना है, शांति और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। 21 जूने जारी विश्व योग दिवस तरीके उजवानुं छे त्यारे विश्वभरमांथी योग करता दृश्य सामे आवी रह्या छे। इंग्लेंड में लंडन में पण योग माटे खास कार्यक्रम नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम नुं आयोजन इंग्लेंड खाते ना भारतीय दूतावास अने लंडन ना मेयर द्वारा करवामां आव्युं हतुं, जेमां इंग्लेंड ना स्थानिक लोको तेमज भारतीय मूळना लोकोए पण उत्साहभेर भाग लीधो। आ योग कार्यक्रम में शिवास ट्रालोजना लेखक अमीश त्रिपाठी पण सेंट्रल लंडन खाते ट्रेफलगर स्क्वेर खाते योग करता जोवा मळ्या हता। Fantastic. This is an iconic location in London. As you can see, we have the Nelson's Column out here, the museum out here, Trafalgar Square. Everyone passes through here, and most of London. And we did yoga in the morning right out here. It's kind of like a build up to Yoga Day. This is the 20th of June. So we did it as a build up to the International Day of Yoga. What was wonderful was that it was raining very heavily in the morning.